हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम फाइनली आपको एक अपडेट देने वाले हैं अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट जो सेल थी बिग बिलियन डेज, उसकी जो डेट थी वो अनाउंस हो चुकी थी 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही अमेजोन की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है उसकी भी जो डेट है वो भी अनाउंस हो गई थी 4 अक्टूबर से, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही फ्लिपकार्ट ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, 3 अक्टूबर कर दिया, यानी 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। और उसके जस्ट बाद अमेजोन ने भी देखा और एकदम से उन्होंने भी तीन अक्टूबर कर दिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रही है, एक दूसरे से ही कंपटीशन चल रही है। कंपटीशन भले ही वो दोनों के आपस की हो, लेकिन फायदा तो हमारा ही है, जितना जल्दी आ जाए उतनी सब्र कम हो जाएगी, क्योंकि सभी सेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और खासकर मैं भी कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल में मिलने वाले लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, जो कि आपको 50,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में मिलते हैं। पिछली जो मैंने वीडियोस बनाया था वो था वहाँ पे 30,000 से लेके 60,000 तक, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे 50 to 1 लाख के बीच में कौन कौन सा ऐसा लैपटॉप है जिसको आप परचेस कर सकते हैं, अभी उसकी प्राइस कितनी हो और सेल में कितनी हो जाए। हमेशा की तरह दोस्तों, इस बार भी जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूवर्स है, जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आपका नाम इसमें से है या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो लैपटॉप है हमारे लिस्ट में वो है यहाँ पे ASUS TUF। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस लैपटॉप के बारे में। 1650 ग्राफिक्स है और इसकी जो रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 62,000 है, लेकिन इसकी जो रेट है वो सेल में आपको लगभग आपको 55,000 के अंडर देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे HP का ओमेन, 1 साल पुराना प्रोसेसर के साथ आता है और यहाँ पे आपको 1660 Ti ग्राफिक्स मिलता है, जो कि RTX 3050 से भी बेहतर है। तो अगर आपको ये गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। 86,000 इसकी रुपीज़ रेट है, यानी आपको 75 से 78 के अप्रॉक्स में जा सकती है सेल में। नेक्स्ट लैपटॉप है हमारे लिस्ट में MSI की तरफ से Brevo 15। इसके लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। Ryzen 7 के साथ आता है 4800H, यानी 1 साल पुराना प्रोसेसर है लेकिन Ryzen 7 है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 GB की रैम और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ की यहाँ पे आपको AMD का ग्राफिक्स मिलता है, तो जिसको भी AMD का ग्राफिक्स ज़्यादा पसंद है वो इसके लिए जा सकता है। 75,000 इसकी रेट है, लेकिन सेल में आपको 65,000 से 68,000 तक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप आता है हमारे लिस्ट में MSI का GF65 थीन, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ये भी 1 साल पुराना प्रोसेसर के साथ आता है और यहाँ पे RTX 2060 ग्राफिक्स मिलता है, जो कि RTX 3060 लेवल का है। आपको अगर एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप चाहिए जो कि अनबीटेबल हो, बीस्ट हो एकदम, तो वो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसकी जो रेट है वो फिलहाल 88,000 है, लेकिन सेल में अंडर 80,000 जा सकती है। तो अगर आपको बीस्ट लैपटॉप चाहिए एकदम, मतलब फुली परफॉर्मेंस्ड, तो ये आप यहाँ परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे रेनबो की तरफ से Ryzen 5 10th जनरेशन के साथ आता है, i7 है और ये सबसे अच्छी चीज़ की यहाँ पे आपको 1650 Ti ग्राफिक्स मिलता है। 1 साल पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इसकी जो रेट है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं थी, जब भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, मैं कम्युनिटी में पोस्ट करके भी अपडेट करते रहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ASUS TUF डैश के बारे में, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। यहाँ पे आपको मिलता है RTX 3050 Ti ग्राफिक्स, जो कि अंडर 70,000 जा सकता है या फिर 75,000 के अप्रॉक्स में, तो इसके बीच में ही होगा, इसके ज़्यादा नहीं हो सकती या फिर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो सकती। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 से 75 के बीच में आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो ही एक लैपटॉप है ASUS TUF गेमिंग A15 है या फिर A17 है आई थिंक, उसकी भी जो रेट है RTX 3050 वाली वो 75,000 है, तो इसकी रेट मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, 75 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी रेट जो है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 80,000 है, लेकिन सेल में आपको 75 के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लैपटॉप है ASUS TUF गेमिंग F15। इस लैपटॉप के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट प्रोसेसर है i7 है, RTX 3050 है, इसकी जो रेट है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा है 1,10,000, लेकिन यह अंडर 92,000-93,000 के अप्रॉक्स में जा सकती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे ASUS ROG Zephyrus सीरीज़ का G14। अगर आपको Zephyrus सीरीज़ का लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। 1650 ग्राफिक्स मिलता है, नॉर्मल है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है, यहाँ पे Ryzen 7 इसी साल का है और इसकी जो रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं
और इसकी जो रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 95,000 ये, लेकिन 85,000 के अंडर में जा सकता है सेल में। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे MSI का GF75, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये भी, एक साल पुराने प्रोसेसर के साथ आता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको 1650 का ग्राफिक्स मिलता है और इसकी जो रेट है वो अंडर 55,000 जा सकती है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे HP की तरफ से Pavilion Gaming 10th जनरेशन है, i5 प्रोसेसर है, एक साल पुराना प्रोसेसर है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि आप भैया ये मत बोलो कि एक साल पुराना प्रोसेसर है, तो मैं क्या बताऊँ, आप ही बताओ, मैं किसी को धोखे तो नहीं दे सकता कि नहीं अभी का लेटेस्ट प्रोसेसर है, आप इसे ही ले लो, ओल्ड है तो ओल्ड ही बोलेंगे ना दोस्तों, तो आपको भी थोड़ा सी ध्यान देनी पड़ेगी। 1650 Ti ग्राफिक्स है यहाँ पे और इसकी जो रेट है वो 69 यानी 70,000 के अप्रॉक्स में है, लेकिन इसकी जो रेट वो सेल में 60,000 के अंडर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे डेल का G3 3500 गेमिंग, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, लेकिन कूलिंग उतनी ज़बरदस्त नहीं है, 1 ईयर ओल्ड प्रोसेसर है, ग्राफिक्स जो है वो तो 2 ईयर यहाँ पे 2-3 साल पुराने देखने को मिलते हैं, 1650 है और यहाँ पे और इसकी जो रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 75,000, लेकिन ये अंडर 65,000 जा सकती है, क्योंकि डेल ब्रांड है, डेल ब्रांड अपने नाम के लिए ही पैसे लेती है लोगों से, तो ये आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है Acer Nitro 5, Intel i5 के साथ आता है, एक साल पुराना प्रोसेसर है, अब मैं भाग भाग इस बात को बोल रहा हूँ, आप खुद से भी जज कर लेना। 1650 Ti ग्राफिक्स है यहाँ पर और इसकी जो रेट है वो 71,000-72,000 है, लेकिन इसकी जो रेट है वो 61-62 के अप्रॉक्स में जा सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे HP की तरफ से Pavilion Gaming Ryzen 5 के साथ आता है, अब नहीं बोलूँगा मैं 1 ईयर ओल्ड आप यहाँ पे खुद देख लेना, मैं नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1650 Ti ग्राफिक्स मिलता है, 74,000 इसकी रेट है, लेकिन ये 60-62 के अप्रॉक्स में जा सकती है सेल में। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे Asus की तरफ से ROG Zephyrus G14 और यहाँ पे आपको मिलता है 4000 सीरीज वाला प्रोसेसर, Ryzen की तरफ से 1650 Ti ग्राफिक्स है और इसकी जो रेट है वो 90,000 है, लेकिन ये आपको 80,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे Asus TUF-F15, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, 3050 Ti ग्राफिक्स है, 98,000 का है, लेकिन इसकी जो रेट है वो 88,000 के अप्रॉक्स में जा सकती है या फिर 85 के अप्रॉक्स में, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे Asus ROG Strix G15, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस लैपटॉप को बेसिकली राइट्स के लिए, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये, 1650 Ti ग्राफिक्स है यहाँ पे और 81,000 इसकी रेट है, लेकिन ये 7170 के अंडर भी जा सकती है ये लैपटॉप। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे Asus का ZenBook, इसके लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे मेरे पास, और ये जो है लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन ये H सीरीज़ वगैरह नहीं है, U सीरीज़ वगैरह है, तो बेसिकली इस लैपटॉप्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है ऑफिस यूज़ के लिए या फिर मतलब नॉर्मल कामों के लिए, तो इसको आप गेमिंग लैपटॉप्स में नहीं रख सकते हैं, तो इसकी जो रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 95,000 है, लेकिन ये आपको 70 के नीचे जा सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप आता है हमारे लिस्ट में ZenBook Duo, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये भी, अगर आपको कलर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, अगर आप यानी कंटेंट क्रिएटर है तो ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं इस लैपटॉप, मतलब कि इसमें ग्राफिक्स वगैरह उतने नहीं होते, MX 250 ग्राफिक्स है बेसिकली बल्कि, तो ये अगर इस टाइप के लैपटॉप आपको पसंद है तो इसके लिए आप जा सकते हैं, इसकी जो रेट है वो 90,000 है, लेकिन ये आपको अंडर 80,000 देखने को मिल सकता है सेल में। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे Lenovo की तरफ से ThinkPad E15, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, अगर आपको इस तरीके का ऑफिस यूज़ चाहिए, 73,000 इसकी रेट है, लेकिन ये आपको 63,000 या फिर 60 के अंडर में भी जा सकती है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पे Apple का MacBook Air M1, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस लैपटॉप के बारे में भी, तो इसकी जो रेट है वो फिलहाल आप देख सकते हैं 89,000 है, लेकिन इसकी जो रेट है वो सेल में ज़्यादा नहीं 85,000 के अंडर में जा सकती है या फिर 82-83 के अप्रॉक्स में, इससे कम नहीं होने वाली है। दोस्तों यही तो कुछ लैपटॉप जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं, अगर फिर भी आपको अगर कोई और भी लैपटॉप के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ही बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल का नाम या फिर आपका नाम मैं अपने वीडियोस में मेंशन करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियोस के नीचे, या फिर जब मैं कम्युनिटी पोस्ट रखता हूं तो वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, तो हमारा वीडियोस आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सही वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।